ऐसे आग वाग जला के क्या करना चाह रहे भैया? गुड मॉर्निंग, फिर से स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग पे। अभी हम लोग उधमपुर क्रॉस करके जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ, और सुबह सुबह शुरू हो गया है बारिश। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, अभी भी गिर रहा है वो देखो, ये स्लाइड प्रोन एरिया है। बारिश में पहाड़ों का यही एक प्रॉब्लम है, कहीं भी कभी भी स्लाइड हो सकता है। अभी तो हाल ही में एक दो दिन पहले तो ये रोड भी ब्लॉक था, कहीं पे स्लाइड हुआ था। मॉनसून में अगर आप पहाड़ में आ रहे हो ना, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। और ये चलते चलते हम लोग रुक गए इधर राइट साइड पर, डैम टाइप का कुछ दिख रहा है वो देखो। ये जो रास्ता है अभी चिनानी नासरी टनल पे जाएगा, और यहाँ पे राइट साइड से जो रास्ता निकल जाता है ये पटनी टॉप होके उसी रास्ते से जाना होता था ये टनल बनने से पहले। 30-40 किलोमीटर रास्ता तो यूँ ही शॉर्ट कर देता, ये पहाड़ काट के इसको बनाना पड़ा। मतलब बहुत ही उम्दा इंजीनियरिंग इसमें देखने को मिलता है। ये पहला ऐसा टनल है इंडिया का जो मतलब इतना लंबा और ऐसे बनाया गया था, जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के नाम से नामांकित किया गया है। और ये देखो शानदार, अच्छा टनल के उस तरफ पूरा सूखा हुआ था, इस तरफ हुआ है बारिश, इसीलिए निकलने के थोड़े पहले से मतलब ठंड महसूस हो रहा था। तभी मैं सोच चुकी हूँ अचानक से ठंड क्यों लग रहा है। रामबन छोड़ के अभी काफी आगे आ चुके हम लोग। ये हमारे लेफ्ट साइड पे बह रहा है चिनाब। अभी पानी तो मतलब तेजी से बह रहा है क्योंकि बारिश हुआ है थोड़ी देर पहले। जगह बहुत स्लाइड प्रोन है, तो इन्होंने मतलब ऐसा शेड रामसू 20 बानीहल 37 और श्रीनगर है जी 139। अभी रास्ता सही है, मतलब थोड़ी देर पहले जो उबड़ खबड़ था और थोड़ा बहुत खराब पैचेस थे वो ख़त्म हो गए। अभी मतलब सही वेल कंस्ट्रक्टेड रोड्स मिल रहे हैं अभी, और मौसम भी अच्छा हो गया, अभी धूप निकला हुआ है सही से, सब कुछ मिला जुला के ऊपर वाले की कृपा से ठीक ही है। बहुत सही नज़ारा था, ऊपर देखना ऊपर क्लाउड और उसके अंदर से वो धूप का रिफ्लेक्शन, जन्नत। छोटा
छोटा सा झरना राइट साइड पे, अगर होटल से नहा कर नहीं निकलते ना तो यहीं पर नहा लेता। ये रहा लेफ्ट साइड पे बानीहाल स्टेशन, और स्टेशन का जो बिल्डिंग है ना वो बढ़िया। वाओ, जितना हम लोग श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ रहे उतना नज़ारा खूबसूरत होता जा रहा है। ये देखा राइट साइड पे, बनिहाल गाजीगुंड 8.45 किलोमीटर। श्रीनगर में हम लोग एंटर कर चुके हैं और अभी थोड़ी ही देर में डाल लेक पहुंचने वाले हैं। एक्चुअली एंटर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही किया है, लेकिन घूम रहा था उधर मैसूमा मार्केट पे, क्योंकि गाड़ी का एक पर्स चाहिए था और आज फ्राइडे है तो इधर लगभग सारे दुकानें बंद है। तो चलो जी, ये रहा डाल लेक। बेहद खूबसूरत डाल लेक का नज़ारा विटनेस करने के बाद हम लोग श्रीनगर को पीछे छोड़ के सोनमार्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। गंदरवाल डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने के करीब 10 किलोमीटर बाद है ये जगह, और ये जगह का नाम है मनीगांव। तो यहाँ का जो नज़ारा है, मतलब क्या ही बताए,
ये हरा भरा वैली, बीच का ये रास्ता और उनके दोनों साइड के पेड़ पौधे और रंग बिरंगे घरे, सब कुछ मिला जुला के ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मानो के कोई सपनों की दुनिया में चल रहे हैं हम लोग। ये हमारे राइट साइड पे है सिंध रिवर, कितना तेज बहाव देखो पानी का। कश्मीर को वैसे ही नहीं बोलते हैं जन्नत, सही में जन्नत ही तो है ये। सोनमार्ग अभी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे हम लोग। और पहुँच के पहले टेंट पिच करना है। वैसे आज पूनम की रात है और ऊपर से ये मैजेस्टिक सोनमार्ग वैली, सोच के मतलब अभी से ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। ये रहा हमारा आज का कैंपिंग सेटअप। कुकिंग का इंतजाम हो रहा है। ऊपर पास में एक जगह था जहाँ से नल का पानी आ रहा था, मतलब पीने लायक पानी, वो हमने भरवा के लेके आए हैं बैरल में, उसको कुकिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। तो शुरू हो गया हमारा कुकिंग और कुकिंग में बिजी है हमारे मिस्टर को इमरान भाई। और इधर से हवा चल रहा था सो गाड़ी को सामने खड़ा कर दिए ताकि हवा ना आ पाए। अभी इधर आग जला दिया है दूसरा टीम ने, मतलब उन्होंने अभी हमारे नज़दीकी टेंट सेट किया और पता नहीं क्यों ऐसे आग वाग जला के क्या करना चाह रहे भैया। तो अभी हम लोग सब टेंट के अंदर घुस गए हैं और सोने का इंतज़ाम चल रहा है। आधा घंटा पहले खाना खाया, करीब 10 बजे। अभी इस ब्लॉग को करते यही पे एंड, कल सुबह मिलते हैं नए ब्लॉग पे। बाय बाय।